खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच वैचारिक संवाद तथा सांस्कृतिक आपसदारी का विराट समागम विश्व रंग 7 से 10 नवंबर तक भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की पहल पर टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र तथा वनमाली सृजन पीठ के मुख्य संयोजन में परिकल्पित इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य तथा कला महोत्सव में भारत सहित दुनिया के 30 देशों के 500 से भी अधिक प्रतिनिधि हस्ताक्षर शिरकत करेंगे। लगभग 50 सत्रों के आसपास संयोजित विश्व कुंभ साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, सिनेमा, पत्रकारिता, पर्यावरण सहित अनेक विषयों का अनूठा मंच होगा। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भोपाल में विश्व रंग की गतिविधियां मिंटो हॉल, भारत भवन तथा रविंद्र भवन में होंगी। अपने किस्म के इस पहले अनूठे समारोह के सुचारू संयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यह जानकारी टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा संस्कृति कर्मी संतोष चौबे ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। इस मौके पर आकाशवाणी महानिदेशालय के पूर्व निदेशक तथा कवि लीलाधर मंडलोई, भोपाल इकाई के अध्यक्ष कथाकार मुकेश वर्मा, आईसेक्ट के निदेशक सिद्धार्थ चतुर्वेदी और टैगोर विश्व कला केंद्र के निदेशक विनय उपाध्याय ने भी विश्व रंग की गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। हमारी 50 साल की कैसी बुनियादी सामग्री है जिसके जरिए हम पूरे विश्व तक हमारे इस विश्व रंग की आग को पहुँचा रहे हैं। कि ऐसे 66 विश्वविद्यालय हैं विश्व में जो कि हिंदी पढ़ाते हैं, उनमें रिसर्च करते हैं, उनकी चिट्ठियां आती हैं तो मुझे मालूम पड़ता है कि वो कितने आगे हैं रिसर्च में। और अनुवाद के क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां भी सृजित हो रही हैं, तो हिंदी के जो अनुवादक हैं उनकी बहुत बड़ी डिमांड है, अलग एम्बेसीज में है, मार्केट में है, अन्य राज्यों में है। इसी तरह से अन्य भाषाओं के अनुवादकों की भी डिमांड है। तो अगर वो रिसर्च करना चाह रहा है जी, और उसको भारत में अगर वो नहीं है माहौल, और अगर विदेश का माहौल मिल रहा है जी, और इंडिया की स्थिति बेकार है, तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव दे रहे हैं? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा रिसर्च के माध्यम से इतने साहित्यकारों को इकट्ठा कर रहे हैं, कोई इनिशिएटिव दे रहे हैं उनको, तो भारत में क्या उसके लिए इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं? नहीं, हमारी कोशिश है कि जो रिसर्च फेलोज हैं हमारे विश्वविद्यालयों में, अन्य विश्वविद्यालयों में, वो नई तरह के विषयों पर रिसर्च शुरू करें। और टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च भी हम लोग कर रहे हैं, हिंदी और टेक्नोलॉजी पर भी एक सेशन कर रहे हैं। और रिसर्च को प्रमोशन इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल ICCR के माध्यम से भी और हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नए विषय लाना चाहते हैं इसके बदले कि हम पुराने ही विषयों पर रिसर्च करते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज स्वच्छ दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।